शिवपुरी जिले में यातायात सप्ताह की शुरुआत सोमवार को हो गई। एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने हरी झंडी दिखाकर यातायात सुरक्षा रथ को रवाना किया है। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव, सिटी कोतवाली प्रभारी अमित भदौरिया, देहात थाना प्रभारी विकास यादव सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर शिवपुरी एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि यातायात सुरक्षा सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान पुलिस अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट की महत्वता के बारे में बताया जाएगा। इस अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में भी पुलिस पहुंचेगी और बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में अवगत कराया जाएगा। एसपी ने बताया कि यातायात सप्ताह में जिले भर में चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जाएगी। जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही नियमों का पालन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सुरक्षा सप्ताह जो है, यातायात सप्ताह का प्रारंभ जो है 24 से 30 तक रहेगा। ये हम लोग लगातार करते आते हैं, एसपी का निर्देश इसमें रहता है। इसमें हम जागरूक करने का प्रयास करते हैं जनता को, पब्लिक को, कि जो यातायात के नियम है उसका, ट्रैफिक के रूल्स है, उसको फॉलो करें। और ये रूल्स जो है उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए, जिससे पब्लिक की सुरक्षा होती है। जिससे दोपहिया वाहन वाले हेलमेट लगाना चाहिए, शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए, धीमी गति में वाहन नहीं चलाना चाहिए, कारों में सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ों छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन हैं बहुत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आम जनता की जान को बचाने के लिए। जब एक्सीडेंट होता है ये चीज़ें हमको जो है जान हमको रक्षा करती है। इनको आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज में सबको ये पहुँचे चीज़ें, कि सुरक्षा जो यातायात के नियम जो है, रूल्स है, ये पुलिस के लिए एक्चुअली जो है जनता के लिए, उनको एक प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए बनेगी जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।